गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट। जो आपका टॉपिक है आपका ऑप्टिमल कोड। तो इस यूनिट में मैंने आपको कुछ नई चीजें बताई थी, जैसे मैंने आपको एसिम्प्टोटिक की पार्टीशन प्रॉपर्टी के बारे में बताया, फिर हमने टिपिकल सेट के बारे में बताया, फिर हमने डेटा कंप्रेशन के बारे में बताया, एंड आफ्टर दैट टाइप ऑफ कोड, देन क्राफ्ट इनइक्वालिटी। फिर हमने आपसे ये बोला जो क्राफ्ट इनइक्वालिटी जो चीजें पढ़ी गई हैं वो आपका डिपेंड कर रहा है इंस्टेंटेनियस कोड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने ये बताया है कि जब कोई भी कोडिंग टेक्निक पढ़ते हैं या एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी, एंड फॉर द एफिशिएंसी वी हैव टू कैलकुलेट टू क्वांटिटी लाइक एंट्रोपी एंड एक्सपेक्टेड लेंथ। तो अभी जो आपका टॉपिक है दैट इज ऑप्टिमल कोड। बाय नेम ऑप्टिकल कोड मींस ये है कि हमको किसी कोड के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, हमें जो कल हमने आप स्टेंटेनियस कोड के बारे में बताया था तो आज हम स्टेंटेनियस कोड से रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो टर्म आया ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब ये है भाई, ये हमें देखना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमारा एक्सपेक्टेड लेंथ और एंट्रोपी में क्या रिलेशन होना चाहिए, अब हमें ये डिस्कस करना है। तो जैसा कल हमने आपको एक्सपेक्टेड लेंथ का जो फॉर्मूला बताया था दैट इज कैपिटल एल इज इक्वल टू समेशन आई एंड पी आई एल आई, दैट इज स्मॉल एल आई था आपका, और वो क्वांटिटी हो गया। फिर कल हमने आपको क्राफ्ट इनइक्वालिटी के बारे में बताया दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एम डी टू पावर माइनस एल आई लेस देन इक्वल टू 1। तो अब हमें क्या करना है कि ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं, जो एक्सपेक्टेड लेंथ है, जो क्राफ्ट इनइक्वालिटी है, अब इनको एक साथ कंबाइंड करके, मींस हियर वी अप्लाई द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक मींस फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द कोड, ओके, एंड दैट कोड फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंस्टेंटेनियस कोड एंड आल्सो द कंडीशन ऑफ द प्रीफिक्स फ्री। ये चीज हमें डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट ले चलेंगे विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द दीज टू एक्सपेक्टेड लेंथ एंड द क्राफ्ट इनइक्वालिटी। तो कुछ कंडीशन, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड आपका यूज किया गया ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मीन्स हम यहाँ पे दो कंडीशंस को लेके चलेंगे। अगर कोई भी इंस्टेंटेनियस कोड अगर प्रीफिक्स फ्री कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो ऑल्सो इट विल फुलफिल द कंडीशन ऑफ द क्राफ्ट इनइक्वालिटी। तो कोई भी कोड अगर इन दोनों कंडीशंस को अगर फुलफिल कर रहा है, इन दैट केस द एक्सपेक्टेड लेंथ, अभी आगे हम और प्रूफ करेंगे, ये नेक्स्ट थ्योरम है प्रूफ करेंगे, मींस द एक्सपेक्टेड लेंथ विल बी इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ द सोर्स, ये हम आगे प्रूफ भी करेंगे। अभी यहाँ पे वही चीज फाइंड करेंगे, तो थोड़ा सा मैं कुछ चीजें मेंशन कर दूं। कोड वर्ड सेट दैट सेटिस्फाइज द प्रीफिक्स कंडीशन has to satisfy the Croft inequality and that क्राफ्ट इनइक्वालिटी इज ए सफिशियंट कंडीशन फॉर द
एग्जिस्टेंस ऑफ ए कोड वर्ड सेट विद स्पेसिफाइड सेट ऑफ कोड वर्ड लेंथ हियर द एक्सपेक्टेड लेंथ इज 2 ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये कुछ लाइंस आपकी मेंशन की गई हैं। यहाँ पे हमें जो फुलफिल करना है ऑप्टिमल कोड को मेंशन किया है। इफ एनी कोड वर्ड सेट दैट सेटिस्फाई द प्रीफिक्स कंडीशन हैज टू सेटिस्फाई द क्राफ्ट इनइक्वालिटी। कोई भी कोड वर्ड सेट अगर वो प्रीफिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इट आल्सो हैव टू बी सेटिस्फाई द क्राफ्ट इनइक्वालिटी दैट हियर वी कैन से दैट द क्राफ्ट इनइक्वालिटी इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस of a code word set with a specified set of code word length. Here the expected length is the optimization problem. तो जो code word आपके जो length जो find होते हैं तो simply we have to optimize the expected length means our aim is to optimize or to minimize the expected length. हमें कोई भी कोड अगर है अगर ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल्स कर रही हैं तो हमारा एक जो और प्रोसेस फाइनली हमें ये करना है कि वी हैव टू ऑप्टिमाइज द लेंथ ऑफ द कोड वर्ड ये हमें करना है। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो हमारा कंडीशंस मेंशन है एज वी नो दैट वी हैव टू मिनिमाइज we know that expected length summation I that is pi li ya formula jante hain over all integer l1 comma l2 up to lm satisfying summation i d to the power minus l i less than equal to 1। जो अब चीज़ हमने लिखा हुआ है जैसे आप पता है कि ये expected length का formula है उस expected length में आप l i use कर रहे हो means कोई भी code word होगा तो उस पर आपका length होगा और उस length का use करके आप expected length को find करते हैं। तो अब हमें यहाँ क्या करना है अब हमें जो ये length है this length should have to satisfy the Kraft inequality condition तो means अब हमें यहाँ पे इस चीज को मेन हमारा वर्क जो है हैव टू मिनिमाइज एक्सपेक्टेड लेंथ। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए जो ये लेंथ इस क्राफ्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो अब हमें करना क्या है हमें इन दोनों कंडीशन को कंबाइंड करके हमें यहाँ पे सॉल्व करना है देन कैलकुलेट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द एनी कोड वर्ड सेट। नाउ हेंस we can write the constraint minimization using language मल्टीप्लायर एज द मिनिमाइजेशन ऑफ तो हम यहां पे एक कॉन्स्टेंट लेंगे दैट इज विच इज यूज्ड फॉर द मिनिमाइजेशन
एंड देन हियर वी आर यूजिंग द लैंग्वेज मल्टीप्लायर. लैंग्वेज मल्टीप्लायर मीन्स होता क्या है, अब हमें एक ऐसा इक्वेशन राइट करना है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. ठीक है, वहां पर हम एक कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करके दूसरे टर्म में क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को राइट करते हैं. एंड देन फाइनली एंड वी हैव टू मिनिमाइज दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. एंड दिस इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कंडीशन मीन्स एक्सपेक्टेड लेंथ एंड द क्रॉस्ट इनइक्वालिटी. तो कैसे करेंगे, तो एक हम यहाँ पे टर्म लेंगे दैट इज जे, कैपिटल जे इज इक्वल टू समेशन पी आई एल आई प्लस लैम्डा एंड ब्रैकेट में समेशन डी टू द पावर माइनस एल आई. अब आपको दिख रहा है हमने यहाँ पे एक लैग्रेंज मल्टीप्लायर का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है जो आपने मैथ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Here we take a, एक और अपने value consider that is j and which is the combination of these two और this is the expected length, this is the Kraft inequality और Kraft inequality में constant हमने lambda से multiply किया है. तो we have to find the lambda. अब हमें यहाँ पे lambda को find करना है कि किस condition पे ये सारी conditions आपके fulfill हो रहे हैं. In that and after that differentiating differentiating with respect to Li we obtain, इसको करेंगे del j upon del Li. okay, तो यहां पर आपका summation sign है, तो अगर आप इसको differentiate करेंगे summation sign आपका हट जाएगा. तो सिंपली अगर आप करेंगे तो वी गेट पी आई, ये हट गया, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसकी वैल्यू हो गई डेल एल आई अपॉन डेल आई, एल आई इज इक्वल टू वन एंड प्लस प्लस लैम्डा और फिर समेशन आपका हट जाएगा. और ये आपका क्या है, एक फॉर्मूला ए टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस सी ऐसे होता है. यहां पे भी आपका होगा दैट इज डी टू द पावर माइनस एल आई और फिर लॉग डी टू द बेस ई, ये आपका फॉर्मूला होगा. अगेन वी डिफरेंशिएटिंग दिस माइनस एल आई एंड वी गेट द माइनस वन, तो ये माइनस वन क्या होगा, ये प्लस क्या होगा, आपका यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपली आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है और आपने फॉर्मूला यूज किया हुआ है. आप जब ए टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो जो a टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x एंड log a टू द बेस e, यहां पे वही चीज यूज किया है. एंड देन सेटिंग द विद इक्वल टू जीरो वी गेट pi इज इक्वल टू lambda d to the base e. This implies that minus li is equal to pi upon lambda log d to the base e. सिंपली आपने कुछ नहीं किया है, इस टर्म को आप यहां इसको एस एच रखे हो और फिर आप इन दोनों टर्म को ये नीचे ले गए और फाइनली वी गेट दिस वन. देन तो उसके बाद आपको यहां पे d to the power minus li की वैल्यू आपको मिल गई और इस d to the power minus li की जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, ये आपको पुट करना है इस क्राफ्ट इनइक्वालिटी में. जब पुट करेंगे तो क्या होगा,
तो क्या था आपका समेशन डी टू द पावर माइनस एल आई, हम इक्वेलिटी कंडीशन लेके चलेंगे, देन समेशन अपॉन लैम्डा टू द बेस डी इज इक्वल टू वन, और हियर आपको दिख रहा है सम ऑफ दिस क्वांटिटी, एंड वी नो दैट अगर हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे फॉर एनी सोर्स वी गेट द वैल्यू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन, ये वैल्यू आपकी वन आ जाएगी, एंड फाइनली वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग डी टू द बेस ई, ठीक है, वेयर समेशन पी आई इज इक्वल टू वन। अब हमें क्या करना है, अब जो ये वैल्यू आपकी थी अब हमें इसको पुट करना है इस वाले इक्वेशन में यहां पे, एंड वी गेट इसी ये आपको जो लैम्डा फाइंड हुआ है ये लैम्डा आप जो पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में जहां पे आपका डी टू पावर माइनस एल आई इज इक्वल टू पी आई अपॉन लैम्डा लॉग डी टू द बेस ही है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट मींस आप जो इस वैल्यू को हमें कहां पुट करना है इन दिस इक्वेशन, तो वी गेट फाइनली डी टू द पावर माइनस एल आई इज इक्वल टू पी आई, ये वैल्यू आपको मिला, एंड आफ्टर दैट वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड टू बेस डी, क्या मिलेगा माइनस एल आई लॉग डी टू द बेस डी इज इक्वल टू लॉग पी आई टू द बेस डी, या फाइनली वी गेट और दिस वैल्यू इज ये वैल्यू आपकी वन हो जाएगी, एंड एल आई इज इक्वल टू माइनस लॉग डी पी आई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ एनी कोड जो आपको दिख रहा है, दैट इज एल आई इज इक्वल टू माइनस लॉग डी पी आई, और यही आपका है is a global minima, ये condition हो गया, तो किसी code का जो length होना चाहिए इस condition को fulfill करना चाहिए, that is minus log pi to the base d, and finally अब हमें find करना है क्योंकि हम जो minimize कर रहे हैं वो आपका है expected length, तो expected length का जो formula है we know that L is equal to summation pi li, ये value place करेंगे, li की जो value आपकी है minus log pi to the base d, minus sign common ले लीजिए, and then pi log pi to the base d, और यही पता है, और this is the formula of the hx, अगर आपका x कोई सोर्स है तो आपका वो एंट्रोपी जो होगा वो hx होगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं means आपका जो एक्सपेक्टेड लेंथ अगर आपका मिनिमम है, इन दैट केस अगर ग्लोबल मिनिमा कंडीशन मीन्स सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मीन्स प्रीफिक्स कंडीशन and also the Croft inequality, in that case the expected means the length of the any code is given by this one, and also agar aap expected length ko find karte hain then this quantity is equal to the entropy of that source, ye cheez hai, to ye condition aapka nikal gaya hai jo hamara expected length hona chahiye wo hona chahiye, aur us case mein hamara kisi bhi code ka length hoga wo kya hoga wo kam se kam hoga, theek hai, या एक्चुअली जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा जैसे एफिशिएंसी का, एक्चुअली जो फार्मूला आगे डिस्कस करेंगे आप लोग, दैट इज एच अपॉन एल होता है, वेयर एच इज द एंट्रोपी एंड एल इज द लेंथ एक्सपेक्टेड लेंथ होता है, तो हमारा जो देखिए अगर आपका दोनों अगर ये बराबर है तब तो एफिशिएंसी 100 हो जाएगा, हमारा जो मेन एम ये होता है कि हमारा जो ऊपर का मीन्स हमारा जो ये वैल्यू कम से कम हो, जिससे क्या हो इससे कम हो उससे क्या हमारा एफिशिएंसी नियर अबाउट आपका वो क्या हो जाए वो 100 के आसपास रहे,
तो हमें मेन जो कोशिश ये करना है कि हमारा जो लेंथ होना चाहिए वो कम से कम हो। तो उस कंडीशन में हमारे ये देखिए आपने एक्सपेक्टेड लाइन जो फाइंड क्या हुआ उसके, अगर आपका ये अगर इसकेट्रॉफी के बराबर इन दैट केस द लेंथ ऑफ द एनी कोड इज इक्वल टू द माइनस लॉग डी पी आई टू द बेस डी। तो ये आपका ऑप्टिमल कोड था। तो देखा कैसे आप लोगों ने प्रीफिक्स कंडीशन मीन्स एक्सपेक्टेड लेंथ को आपने लिया हुआ है, फिर और फिर आपने क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी को दोनों एक साथ आप लैग्रेंज मल्टीप्लायर से यूज करके फिर कैसे आपने डिफरेंशिएट किया हुआ है, देन पुट द डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो एंड आफ्टर दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ द लैम्डा देन प्लेस द इन द इक्वेशन एंड फाइनली एंड वी गेट द दिस वन दैट इज Li इज इक्वल टू दिस एंड फाइनली वी गेट द एक्सपेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू द एंट्रोपी। ये आपका एक प्रूफ रहा, छोटा सा प्रूफ था और इसको आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक था वो ऑप्टिमल कोड था। अब इसी में बेस्ड एक आपका थ्योरम है, तो उस थ्योरम में डिस्कस कर दूं मैं जरा। इसी पे बेस्ड आपका एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये है। द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ एनी instantaneous code for a random variable x is greater than or equal to एंट्रोपी। तो ये स्टेटमेंट आपका है, और अगर हम इसको न्यूमेरिकल वे में अगर बोले हैं तो सिंपली वी हैव टू राइट हियर दैट इज एल ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपको प्रूफ करना है, मींस द एक्सपेक्टेड लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ दैट सोर्स। ये स्टेटमेंट होगा। और टोटली जो बेस्ट आपका था अभी जो आपने जो आप डिराइव किया था दैट इज Li इज इक्वल टू माइनस log pi to the base d, here we are using the same relation। तो कैसे find करना है, तो proof करने के लिए हमें करना क्या है, here we take that is L minus hx, ये quantity हम लेके चलेंगे, हम इन दोनों quantity का difference यहाँ write करेंगे और difference आपका क्या हो गया L minus hx, और हम जो formula जानते हैं that is summation pi Li माइनस एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है समेशन पी आई लॉग वन अपॉन पी आई टू द बेस डी, ये आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। ओके एंड आफ्टर दैट यार अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। अब चेंजेस कैसे करना है, जैसे इसको हम राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू समेशन पी आई, अब इसको मैं लिख रहा हूं लॉग d टू द पावर माइनस एल आई टू द बेस d एंड प्लेस हियर नेगेटिव साइन। ओके मींस हमने यहां पे क्या किया है, हमने यहां पे इस Li को चेंज किया इस फॉर्म में, ठीक है, या Li को हमने चेंज किया इस फॉर्म में। अगर फिर अगर आप इसको सॉल्व करें, अगर आप इसको लॉग लेंगे हियर वी गेट माइनस एल आई एंड माइनस माइनस प्लस means finally after solving we get this one, simply आपने यहाँ पे कुछ terms यहाँ पे add किया हुआ है, extra add किया हुआ है, we get the sum relation and also here we write plus sign, अगर आपका ये ऊपर जाएगा तो log की property होती है, ये sign आपका negative हो जाएगा, negative negative क्या हो गया plus summation pi log pi to the base
डी, ये हो गया आपका, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग कहां से क्या हुआ है, हियर वी टेक द डिफरेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड लेंथ एंड एंट्रोपी, और सिंपली वी पुट द फॉर्मूला ऑफ द एक्सपेक्टेड लेंथ एंड एंट्रोपी, देन रीअरेंजिंग द Li इन द फॉर्म ऑफ द log d टू द पावर माइनस Li, एंड ऑल्सो हियर वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द log, देन वी गेट दिस वन। नेक्स्ट लाइन आपका ये हो गया। उसके बाद कुछ एज्यूम करना है, लेट इन we take a term r I is equal to d to the power minus l j upon summation d to the power minus l j. Here we are using the summation sign of the j. जैसे आपने क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी में आपने यहाँ पे आई यूज किया था, हियर वी आर यूजिंग द जे। तो अगर आप ये अल्फा बेटा अगर आप चेंज कर दोगे तो उसके प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज नहीं होना है, सिंपली हियर वी आर चेंजिंग ओनली द इंडेक्सिंग वैल्यू, इंडेक्सिंग वैल्यू चेंज कर रहे हैं। मीन्स जो क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी आपका, मान लें अगर आपका डी टू द पावर माइनस एल आई है तो डी टू द पावर माइनस एल जी के लिए भी वो कंडीशन फुलफिल होगा। मीन्स समेशन आई d to power minus l less than equal to 1, and also it is true for when summation j d to power minus lj less than equal to 1, means jo condition aapka I ke liye hai wahi condition aapka yahan j ke liye bhi hoga, and also one more quantity is there, that is c is equal to summation I d to the power minus li, ye aapne use kiya hua hai, theek hai। अब आपको करना क्या है, जो आपने ये एज्यूम किया हुआ है, अब आप कहेंगे सर आपने यही एज्यूम किया हुआ है, क्योंकि हमने दो जो भी चीजें आप एज्यूम किया हुआ है, सिंपली वी आर जस्ट टेकिंग द सम कांस्टेंट, मीन्स हमें चीजें जो लिख रहे हैं कुछ कंडीशंस को लेकर चाहिए, सिंपली हमने आप जो यूज किया है वो हमने क्रॉफ्ट इनइक्वालिटीज को ही यूज किया है। तो अगर आप देखें, अगर यहाँ पे डी टू पावर माइनस एल आई की वैल्यू देखें, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू आर आई इनटू दिस क्वांटिटी, और प्लेस करेंगे वी गेट माइनस समेशन pi and in bracket log d, ये bracket बनाएंगे, that is r I and into summation j d to the power minus l j, ये आपने प्लेस किया इस प्लेस यहाँ पे, ठीक है। आपने जो assume किया हुआ है d to power minus l I को, जो आपने assume किया हुआ, that is r I into this quantity, and after that प्लस साइन समेशन पी आई बेस डी, ओके। एंड आफ्टर दैट हियर वी आर यूजिंग अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग, मीन्स लॉग ए इनटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो अगर आप सॉल्व करें, वी गेट, अगर आप इसको ब्रेक करें, माइनस समेशन पी आई लॉग आर आई टू द बेस डी, and minus sign summation pi log j d to the power minus lj, and this sign plus summation pi log pi to the base d, okay। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखें, अगर आप इसको इसको इस टर्म को और इस टर्म कंबाइन करेंगे, तो माइनस समेशन पी आई दोनों में कॉमन है, और तो आप लिख सकते हैं समेशन पी आई लॉग। अब देखो ये आपका लॉग ए माइनस लॉग बी है, अगर आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अब यूज करेंगे, लॉग ए माइनस बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं लॉग पी आई अपॉन आर आई, ओके। एंड आफ्टर दैट माइनस साइन समेशन पी आई, और ये क्या आपका है लॉग, और ये जो आपने देखिए, हाँ यहाँ पे जैसे आपने सी को माना हुआ है समेशन आई डी टू पावर माइनस एल आई को आपने सी माना हुआ है, अगर ये समेशन में अगर हम जे भी लिख दें तो वो भी सी के बराबर ही होगा, तो दिस क्वांटिटी कैन बी रिप्लेस बाय द सी। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए सर, यहाँ पे आई लिखा है, वहां पे जे लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज आप समेशन आई भी कर सकते हैं, जे भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में वो क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब यहाँ पे क्या है,
this can be replaced by C. And after that is equal to, अगर हम देखें तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये कुछ मिलता जुलता आपका रिलेटिव एंट्रोपी से मैच कर रहा है. तो अगर इसको लिखें, रिलेटिव एंट्रोपी का सिंबल आपका होता है डी और आपका पी डबल साइन आर, ये आप हो गया मींस रिलेटिव एंट्रोपी बिटवीन द टू डिस्ट्रीब्यूशन पी एंड आर. ओके, एंड आफ्टर दैट अब देखिए समेशन का साइन में ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया, सी आपने मान लिया, हियर आपको जो समेशन सिंपली यहां बस प्रोबेबिलिटी को ऐड किया जा रहा है. तो जब प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, समेशन आपने किया हुआ है, बाकी ये आप देखें कि अभी राइट नाउ इस टर्म में जो ये लॉग सी आपका कांस्टेंट हो गया, मीन समेशन से आप इसको बाहर ले सकते हैं. समेशन से बाहर लेंगे तो सिंपली वी हियर ओनली द समेशन ऑफ पीआई और इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड फाइनली वी गेट माइनस लॉग सी, ये वैल्यू हो गया. एंड आफ्टर दैट अब इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों टर्म का जो इसको लिख लीजिए आप, एंड देन डी माइनस प्लस लॉग वन अपॉन सी. आप लिख सकते हैं यहां भी आपने लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया हुआ है, जैसे आपने अगर ये माइनस साइन अगर आप अंदर ले जाओगे तो ये आपका वन बाई सी होगा. ओके, तो आपको फाइनली आपने जो स्टार्ट किया हुआ है, यहां से स्टार्ट किया हुआ है और आपने इसको दो टर्म में कंक्लूड किया हुआ है इन टर्म ऑफ द रिलेटिव एंट्रोपी प्लस द log something 1 upon c का फॉर्म है. और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाइनली दिस वैल्यू इज ग्रेटर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, अब ये कैसे है, हमने लिख तो दिया कि इन दोनों का सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अब इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, अगर हम बात करें दिस क्वांटिटी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज ड्यू टू इंफॉर्मेशन इनइक्वालिटी. जब मैंने आपको जैनसन इनइक्वालिटी जब पढ़ाया था तो जैनसन इनइक्वालिटी में इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस था, आपने वहां पढ़ा था डी पी टू क्यू इज इक्वल टू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने प्रूव किया था. अब वही प्रॉपर्टी यहां पे यूज करो और उस प्रॉपर्टी उस आपने बोला क्या था इन्फॉर्मेशन इनइक्वालिटी. तो डायरेक्टली वी हैव टू राइट हियर दिस क्वांटिटी मींस जो पहला टर्म है दिस विल बी द ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज ड्यू टू द इन्फॉर्मेशन इनइक्वालिटी. नाउ फॉर सेकंड टर्म, सेकेंड टर्म में क्या है आपको दिख रहा है, जो आपने एज्यूम किया था जो हमारा c था दैट इज c इज इक्वल टू समेशन j एल जे. ओके, अब आपसे बोला गया था कि ये जो है ये क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी को फुलफिल कर रहा है. तो क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी होता क्या है, दिस वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1. अगर ये जो है अगर क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी अगर फुलफिल कर रहा है दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू द 1, तो अगर हम यहाँ पे इक्वालिटी छोड़ के अगर हम लेस देन वाला कंसीडर करें मींस द वैल्यू ऑफ सी इज ऑलवेज लेस देन 1. 1 मींस इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 मींस क्या है, इट्स वैल्यू इज इन द पॉइंट वैल्यू जस्ट लाइक द 0.1 0.2 0.3 0.4 इस तरीके से आपका. ओके, तो अब आपका है क्या, तो अगर आप यहाँ पे अब ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू हो गई आपकी एंड अब ये वैल्यू हो गई, अगर आप इसको प्लेस करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस वैल्यू. अगर यहीं चलो देख लो आप, अगर मैं यहीं लेके चलूं मींस अगर आप यहां पे कोई किसी भी डेसिमल अगर आप लॉग लेते हो, आपने ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है या कभी आप पहले का भी लॉग पढ़े होंगे, तो किसी भी डेसिमल वैल्यू अगर आप लॉग लेते हो मींस इफ यू टेक द लॉग ऑफ द 0.3 या 0.4 वी गेट द नेगेटिव वैल्यू. मींस अगर आपका ये वैल्यू जो सी आपका है ये लेस देन 1 है मींस इट इज इन द डेसिमल वैल्यू, इफ यू टेक द लॉग वी गेट द नेगेटिव साइन. तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल बी प्लस, ये प्लस साइन हो जाएगा. तो सिंपली आप कह सकते हैं जो ये हमारा इसको आप कैलकुलेट करोगे, अगर आपका ये आप अगर आप सी अगर आप रखोगे आफ्टर सॉल्विंग वी गेट ऑलवेज द पॉजिटिव वैल्यू मींस दिस. तो आपका जो लॉग 1 बाई सी है
इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये कहां से लिखा जा रहा है, यहां से, ड्यू टू द क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी। तो अब आपका जो दोनों जो टर्म था, ये टर्म और ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जीरो है, इन दैट केस अगर दो टर्म अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दोनों का सम भी क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो हम क्या लेके चल रहे थे, हमने जो स्टार्ट किया था दैट इज एल एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर ये आपका है तो आई थिंक सो, मुझे लग रहा है यही प्रूफ भी करना था आपको, ये रखेंगे और फिर इसको जब इस साइड ले जाएंगे आप, तो एल ग्रेटर देन एंट्रोपी, ये रहा आपका प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ। तो ये था आपका यहाँ जो एक थ्योरम था, जिसमें यही बताना चाह रहा था कि किस तरीके से जो एक्सपेक्टेड लेंथ होता है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द एंट्रोपी। तो कुछ हमने एजम्पशन यहाँ पे किया था, यहाँ पे दो तीन प्रॉपर्टी को हमने यूज किया हुआ, इन दैट केस वी आर यूज इन्फॉर्मेशन इनइक्वालिटी, और इस केस में आपने यूज किया हुआ दैट इज क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी, उनको कंबाइन करके आपने ये दिखाया है कि इन दोनों का समेशन होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड फाइनली वी गेट दिस वन, मींस एक्सपेक्टेड लेंथ ग्रेटर देन द इक्वल टू एंट्रोपी। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक, हो गया, अरे बोल तो दिया हम टुडे टॉपिक।